मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के अम्बेडकर नगर के रहने वाले गोवर्धन पाटिल सड़क हादसे के बाद कोमा में चले गए और आखिरकार उनकी मौत हो गई। मगर ये हादसा कैसे हुआ, किस गाड़ी से हुआ या फिर उस रात में आखिर ऐसा क्या हुआ था, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से गोवर्धन पाटिल की मौत हुई है। आपको बता दें कि गोवर्धन पाटिल सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जाने जाते थे, हर किसी की मदद के लिए वो आगे आते थे। मगर उनकी मौत से परिवार के साथ साथ उनके चाहने वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आपको बता दें कि गोवर्धन पाटिल 9 मार्च की रात में करीब 3 बजे के आसपास ये किसी काम से मुंब्रा रेलवे स्टेशन के तरफ जा रहे थे, मगर दाभुलकर और शैलेश नगर के आसपास में हादसा हो गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कि इस हादसे में गोवर्धन पाटिल के नाक पर मुक्का मार लगी थी और पीठ की जो रीढ़ की हड्डी है वो भी डैमेज हो गई थी। हालांकि जब ये हादसा हुआ उस वक्त वहां पर कुछ लोग थे जिन लोगों ने गोवर्धन पाटिल को बुरहानी हॉस्पिटल में पहुंचाया और गोवर्धन पाटिल के परिवार को इसकी जानकारी दी। परिवार के लोग भी रोते बिलखते हुए बुरहानी हॉस्पिटल पहुँचे और वहाँ से जुपिटर हॉस्पिटल गोवर्धन पाटिल को रेफर कर दिया गया। मगर गोवर्धन पाटिल के साथ जो हादसा हुआ था उसके बाद वो कोमा में चले गए थे और 14 मार्च की दोपहर में आखिरकार इस दुनिया को गोवर्धन पाटिल ने अलविदा कह दिया। मगर इस हादसे के मामले में सस्पेंस बना हुआ है कि गोवर्धन पाटिल के जो दोस्त हैं उनका कहना है कि जिस बाइक से गोवर्धन पाटिल मुंब्रा रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे थे उस बाइक पर एक भी खरोच नहीं आई है। आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ, आखिर किस गाड़ी से गोवर्धन पाटिल की टक्कर हुई या गोवर्धन पाटिल को किसी गाड़ी ने टक्कर मारी या फिर गोवर्धन पाटिल जिस गाड़ी से जा रहे थे वो गाड़ी स्कीड होने से वो गिर गए, ये एक रहस्य बना हुआ है। और इसी वजह से गोवर्धन पाटिल के जो दोस्त और उनके तमाम चाहने वाले इस पूरी मामले की जांच की मांग कर रहे हैं कि आखिर उस 9 मार्च की रात करीब 3 बजे के आसपास में गोवर्धन पाटिल के साथ ऐसा क्या हुआ जो उनकी मौत का कारण बन गई। और गोवर्धन पाटिल अपने पीछे अपनी बीवी, 2 बच्चे और एक हंसता खेलता हुआ पूरा परिवार छोड़कर इस दुनिया से चले गए। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।